हेलो फ्रेंड सिंह बाबू ओडिया एजुकेशन चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम आलोचना करवा आम संविधान प्राक कथन लिखित किसी शब्दर अर्थ संपर्क में। जब चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ और भिडियो को स्किप नक शेष पर्यंत देखु। प्रथम प्रश्नटी हूँ संविधान क्या कहती। उत्तर हूँ आम देशर तीनोटी मुख्य अंग अच्छी सेगुड़िक है व्यवस्थापिका कार्यपालिका और विचार विभाग। व्यवस्थापिका मध्य संसद और विभिन्न राज्यर विधानसभा आदि अच्छी। कार्यपालिका मध्य विभिन्न मंत्री दफ्तर ठार छोट बड़ कार्यालय सबू अच्छी। विचार विभाग कोर्ट कचेरी आदि अच्छी। देशर यह तीनोटी मुख्य विभाग किपर गठन हेबो एमानक भितर संपर्क केमिति रहिबो ओ देशर नागरिक माने की नियम मानिबे सेथिपई किछि नियम लेखा होइछि। एही नियम प्रणयन ग्रंथ को संविधान बोली कहा जाए। यह देशर कार्यक्षम अंगमानक संपर्क रे एक नियम प्रणयन ग्रंथ अटे तेणु यह जीवंत ग्रंथ बोली कहा जाए। दुई नंबर प्रश्नटी होउछि आम संविधान प्राक कथन रे लिखित सार्वभौमत्व शब्दर अर्थ कौन। उत्तर होउछि जेउं देश कौनसी बाहर देशर अधीन न रही निजर शासन निजे करे सही देश को सार्वभौम देश बा राष्ट्र बोली कहा जाए। तीन नंबर प्रश्नटी होउछि आम संविधान प्राक कथन रे लिखित समाजवाद शब्दटीर अर्थ कौन। उत्तर होउछि समाजवाद रो अर्थ देशर समस्त संपत्तिर मालिक होउछन्ती देशर जनसाधारण। देशरे जहाँ उत्पादन हेब से देशर और देशर जनसाधारण अधिकार रहिबो। चार नंबर प्रश्नटी होउछि आम संविधान प्राक कथन रे लिखित धर्मनिरपेक्षता शब्दटर अर्थ कौन। उत्तर होउछि जेउं देश कौनसी धर्म को प्रोत्साहन दिए नहीं कि निरुत्साहित करे नहीं ताहाकु धर्मनिरपेक्षता देश बोली कहा जाए। जहाँ फल आम भारत बर्षरे सबु धर्म को समान दृष्टि देखा जाए और समान सम्मान प्रदर्शन करा जाए। पांच नंबर प्रश्नटी होउछि आम संविधान प्राक कथन रे लिखित गणतंत्र शब्दटर अर्थ कौन। उत्तर होउछि राजतंत्र रे गोटिए देश रे जणे मात्र शासक थांती सेहिपरि अभिजात तंत्र रे देश रे अल्प केतेक शासक थांती किंतु गणतंत्र रे जाति धर्म वर्ण और लिंग निर्विशेष रे देशर जनसाधारण हाथ में शासन भार थाए। जहाँ वृत्ति जहाँ हो शिक्षागत योग्यता जहाँ हो तार आर्थिक अवस्था भी जहाँ हो आईन दृष्टि प्रत्येक नागरिक सामान। छ नंबर प्रश्नटी होउछि आम संविधान प्राक कथन लिखित साधारणतंत्र शब्दटीर अर्थ कौन। उत्तर होउछि जेउं देशरे जनसाधारण प्रकृत क्षमतार अधिकारी हेबाकु हकदार होइथांती ताहा एक साधारणतंत्र राष्ट्र होइथाय। साधारणतंत्र राष्ट्र रे राष्ट्र मुख्य को राष्ट्रपति बोली कहा जाए। सात नंबर प्रश्नटी होउछि आम संविधान प्राक कथन रे लिखित न्याय शब्दटीर अर्थ कौन। उत्तर होउछि आम संविधान पंद्र धारा अनुसार देशर प्रत्येक नागरिक जेकोसी सर्वसाधारण स्थान को जीवार अधिकार पाई एथिपाई कहीं बाधा दे पारे ना। जाति धर्म वर्ण गोष्ठी और जन्मस्थान निर्विशेष समस्त को सामान अधिकार प्रदान करवा न्याय। आठ नंबर प्रश्नटी हूँ आम संविधान प्राक कथन लिखित व्यक्तिर स्वाधीनता शब्दर अर्थ कौन। उत्तर हूँ नियम द्वारा आम देशर प्रत्येक नागरिक को चिंता करने को निजर मत प्रकाश करने को विश्वास करने को धर्म आचरण करने को स्वाधीनता दि जाए। जेकोसी व्यक्ति यही सबू स्वाधीनता पाला बेले देखिए जेपरी अंर स्वाधीनता और देशर संहति नष्ट न हुए। नौ नंबर प्रश्नटी हूँ आम संविधान प्राक कथन लिखित समानता शब्दटर अर्थ कौन। आम देश में केते जातिर केते वर्णर एवं केते प्रकार लोक अच्छा समस्त शारीरिक अवस्था एकापरि नुहे कि समस्त रोजगार पंथा मध्य एकापरि नुहे तेणु आम संविधान चौदह धारा अठर धारा मध्य समानता कथा रही जहाँफल जे जमीती हो पचे देशर नागरिक भावे समस्ते समान सुविधा सुजोग पाइपे। दस नंबर प्रश्नटी हूँ आम संविधान प्राक कथन लिखित भातृभाव शब्दटर अर्थ कौन। उत्तर हूँ
ଆମ ଦେଶରେ କେତେ ଜାତି ଓ କେତେ ଭାଷାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି। ତେଣୁ ଭାତୃଭାବର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗରିକ ଭାବରେ ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ। ଭାତୃଭାବର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ, ଆମେ କେହି କାହା ସହ ଶତ୍ରୁତା କରିବା ନାହିଁ। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରାକଥନରେ ଲିଖିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୌରବ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମ ଦେଶରେ ଏକ କୁସଂସ୍କାର ଥିଲା, ତାହା ହେଲା ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ। ତେଣୁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଏହାକୁ ବାରଣ କରାଗଲା। ସମ୍ବିଧାନର ସତଧାରାରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା, ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୌରବ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରାକଥନରେ ଲିଖିତ ଏକତା ଓ ସଂହତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଏକତ୍ର ଭାଇଚାରା ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବା ହେଉଛି ଏକତା ଓ ସଂହତିର ପ୍ରତୀକ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।